बैक टू माई चैनल और आज मैं रिव्यू करूँगी आर्ट प्रोडक्ट्स का जो मैं अपने मटेरियल्स लेके आई हूँ आर्ट्स के। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस वीडियो को पूरा देखें। सो लेट्स गेट स्टार्ट इन के कैमलिन के ऑयल पेंट्स 20 ml के ट्यूब्स है ये सारे। और फिर मैंने बाय किया ये वाटर कलर्स, ये भी कैमलिन के 5 ml के ट्यूब्स है इसमें। और ये मुझे 165 rupees का कॉस्ट पड़ा था और ये एक्चुअल इसका MRP 185 rupees है। सो ये कुछ ऐसे है तो की ब्रांड की ये शीट्स, वाटर कलर शीट्स लिए है। सो स्टूडेंट क्वालिटी के वाटर कलर पेपर्स लिए है। ये 4 साइज के 10 शीट्स है इसमें 85 rupees के, 200 GSM वाले शीट्स हैं। सो इसको भी ट्राई करके देखेंगे कि हम कैसे पेंट कर पाते हैं इन पेपर्स पे। सो और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, ये है कैनवस रोल 400 GSM की इसकी शीट्स है, मतलब ये ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ठीक है। 12 इंच का 5 मीटर का कैनवस रोल लिया है मैंने, पेंटिंग बुक्स होते हैं, कैनवस बुक्स है ये 400 GSM इसका थिकनेस है इस पेपर का। इसमें शीट्स होते हैं, ये आप इजीली इसे टर्न करके ऐसे इस पे पेंटिंग कर सकते हो। इसमें 10 शीट्स आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, एक्रेलिक और ऑयल पेंट दोनों भी आप इस पे इजीली कर सकते हो। और मैंने बाय किए ये कलर्स, कैमलिन के एक्रेलिक कलर्स, बिकॉज मेरे पास एक्रेलिक कलर ख़त्म हो गया था तो मैंने बोला रीस्टॉक कर लेते हैं एक्रेलिक कलर्स का। सो ये 100 rupees MRP है बट ये मुझे 90 rupees में मिला। और मैंने बाय की ये एक स्केच बुक, सो ये 95 rupees की मुझे मिली, एक्चुअली इसका MRP 120 rupees है, ये अनुपम स्टोर का खुद का ही ब्रांड है। और मैंने बाय किया कलर पैलेट जो ईजीली आप ये होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे ग्रिपिंग के लिए भी है फॉर होल्डिंग दिस पैलेट। एंड इसमें बहुत सारे सेक्शन है जिससे आप इजीली कलर मिक्स कर सकते हो और ये मुझे 80 rupees में मिला। लॉन्ग हैंडल हॉग ब्रश, ये कैमलिन ब्रांड के फॉर ऑयल पेंट्स एंड एक्रेलिक हॉग ब्रश मैंने लिए, ये चारों 90 rupees के मुझे ये चारों ब्रश मिला है। मैं ऑयल पेंटिंग की वीडियो में बताऊंगी कि हॉग ब्रश का कैसे ब्रश का स्ट्रोक्स आता है। कि ये प्लास्टिक नाइफ, ये प्लास्टिक नाइफ अच्छे होते हैं बिगनर्स या, और एक्चुअली मैं भी बिगनर ही हूँ ऑयल पेंटिंग में, बट ऑयल पेंटिंग मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट मीडियम है इसलिए मैं ऑयल पेंटिंग के बारे में ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ। ग्रेफाइट में वर्क करना मुझे इतना पसंद है बट सीखने के लिए मैं वो भी करती थी क्योंकि पसंद होना हो, जब आप उस फील्ड में आए हो तो आपको सभी ट्राई करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है कि मुझे ये पसंद है मैं वो नहीं करूँगी। यू हैव टू डू एनीथिंग, अगर आपको सीखना है तो आप कुछ भी करोगे। ये 6 knife है 75 rupees की मुझे मिली, अच्छा ही है बिकॉज ऑलरेडी एक्चुअली जो स्टील के होते हैं नाइफ जिनके आगे वो स्टील होता है वो एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, वो सिंगल ही आपको 90 rupees के मिल जाएंगे, 90-100 rupees। तो उससे अच्छा है कि अगर आप बिगनर हो और स्टार्ट कर रहे हो, आपने कभी पहले टाइम यूज़ ही नहीं किया है, तो ये ज़्यादा अच्छे हैं उनसे। आज के वीडियो में इतना ही, मैंने इतने सारे बाय किए बहुत है ये भी मेरे लिए, सबको ट्राई करने और टेस्ट करने में टाइम लग जाता है। होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे ऑयल पेंटिंग पे भी वीडियो बनाए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी जाके देखें। सो बाय।